बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलागढ़ कम्युनिटी के प्लेटफार्म से संडे मेनिया की एक और एपिसोड के साथ आसिम सादिक हाजिर खिदमत हैं। सामीन किराम, जितने भी लोग हमारे साथ जहां जहां से भी सुन रहे हैं, उन तमाम समातों को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन संडे मेनिया। जी हाँ जी, हमेशा की तरह संडे मेनिया की बैठक का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप लोगों को बताता चलूँ कि आज आप लोगों को थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर महसूस हो रही होगी, और वो तब्दीली मेरी आईडी, मेरे अकाउंट के अंदर आप लोग फील कर रहे होंगे, क्योंकि फेसबुक की जानिब से जो पुराना अकाउंट है उसके ऊपर 60 दिन की पाबंदी है कि आप लाइव नहीं जा सकते, कोई लाइव प्रोग्राम नहीं कर सकते। इस वजह से अपनी जो बैकअप आईडी, आप इसे कह सकते हैं कि उसको मैंने एक्टिव किया है, तो अब सारे लोग मुझे इस पे, आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने आगे जो प्रोग्राम है वो सारे के सारे संडे मेनिया की इस आईडी के थ्रू करने। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ जी, हमेशा की तरह संडे मेनिया में आप लोगों को मालूम है कि हम लोग एक टॉपिक के ऊपर लाजमी बात करते हैं, और आज अगर 14 फरवरी का दिन है तो मेरे ख्याल में आज के हिसाब से इससे बेहतर टॉपिक कोई नहीं हो सकता था जिसके लिए हम देखा जाए तो सारी के सारी सोशल मीडिया के जो वॉल्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो पेजेस हैं, उनके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिबेट जा रही है। डिबेट को कभी हम लोग गलत नहीं कहते, हमेशा माशरे इन्हीं डिबेट से ही ग्रो अप करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो वैलेंटाइन के हवाले से है कि आप इसके हवाले से क्या जानते हैं, आपके क्या तासरात हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताएं, और उससे हटके कि इसके क्या मुस्बत और मनफी पहलू जो आप समझते हैं, आप तक जो आज तक पहुंचा है इसका पैगाम वो क्या है, और क्यों सोशल मीडिया के ऊपर इतनी हमारी आवाम जो है ना वो डिवाइड हो जाती है इस हवाले से, उस हवाले से लाजमी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, उन तमाम लोगों को भरपूर वेलकम करेंगे, और ना सिर्फ वेलकम बल्कि अपनी जबान में कहेंगे जी कि वेलकम जी आया नू और लंगी अच्छा। जी हाँ जी, आज इन्होंने सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में एंट्री की है जी, लकी नंबर जो है ना शामिल है हमारे साथ जी, अनाया, उनको कहेंगे वालेकुम सलाम, वेलकम इन प्रोग्राम। हमारी रेगुलर लिसनर हैं, रावलपिंडी से हमें सुन रही हूँ, और अब तो हमें बहुत से लोगों के नाम और उनके पते याद हो रहे हैं। आज गेस करते जाएंगे कि किस किस का नाम और पता याद हो चुका, और कौन ऐसे हैं जो अभी तक याद नहीं करवा सके। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद मौजूद हैं जी हमारे साथ आमना खान कराची से, वेलकम करेंगे आमना खान को। जी जी, इसके बाद जो है ना मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, तो आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी सलमा शाहीन को कहेंगे वालेकुम सलाम, वेलकम इन प्रोग्राम। इसके बाद हमारे साथ जी शाहिदा खान को कहेंगे वालेकुम सलाम, वेलकम इन प्रोग्राम। ये भी हमें कराची से सुन रही हैं, और जो जो लोग अभी तक, जिनके हम लोग लोकेशन नहीं बता सके, आप लोगों ने लाजमी बताना है, चूँकि ये संडे मेनिया का जो है ना बड़ा हम पार्ट है कि जहाँ पर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों की लोकेशन जान सके। और आज तो होस्ट ने अपनी लोकेशन नहीं बताई है, मैं बताता चलूँ कि इस वक्त मौजूद हूँ मैं वादिये पर की सरजमीन पर, और वादिये पर रावलागोड़ की सरजमीन से इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है ये प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को हो चुके हैं आलमोस्ट 6 माह से ये रावलागोड़ कम्युनिटी की वॉल पे, हर संडे को आप लोग लाइव ब्रॉडकास्ट इसकी सुनते हैं, और आप लोगों की मोहब्बत ने इस वजह से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, इसमें एक काम कर लें आप लोग के, चूँकि आपको मालूम है कि न्यू आईडी है मेरी, तो बहुत से लोगों को शायद उस तरह से नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, क्योंकि बहुत से लोग मेरे साथ ऐड नहीं है इस आईडी के ज़रिए से, तो आप लोग काइंडली जो है वो उन लोगों को मेंशन कर लें जो आपको मालूम है कि हमारे रेगुलर लिसनर होते हैं, और उन लोगों तक लाजमी पैगाम पहुँच जाए, एक हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाए। आज के बाद इंशाल्लाह से वो लोग भी ऐड हो जाएंगे इस आईडी के साथ, और फिर इंशाल्लाह से जो ही सारे लोग आते हैं तो महफिल सजाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे।
जी, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त मेरे ख्याल में, मुझे तो बहुत पसंद है आज का टॉपिक, क्योंकि आज के दिन जो है ना, यूँ तो हमारी आवाम 12 मई तकसीम हो जाती है अहम फैसलों, अहम डिसीजन, अहम जो मामलात और अहम दिनों के ऊपर, इवन कि हमें तो चांद भी एक नज़र नहीं आता, हमें तो ईद के चांद भी दो दो नज़र आते हैं, और इससे हटके तो कैसे मुमकिन था कि 14 फरवरी को जो है ना हम लोग एक हो जाते, कोई एक पॉलिसी हमारी कौम अडॉप्ट करती। लेकिन फिर भी अच्छा है, क्योंकि माशरे की बेहतरी के लिए जो इख्तलाफ़ राय है उसको हम लाजमी तौर पर अप्रिशिएट भी करेंगे, उसको प्रमोट भी करेंगे। और उसी हवाले से आज बात होने जा रही है वैलेंटाइन डे के हवाले से, क्या आप इस हवाले से क्या जानते हैं। बहुत सी ऐसी खूबसूरत तहरीरें भी मुझे आज कम्युनिटी वॉल और दीगर जो अपनी जो टाइमलाइन के ऊपर भी, बहुत से लोग अपनी वॉल के ऊपर भी नज़र आई, उन लोगों की बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी हाँ जी, इसके बाद ही हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार इशरत हुसैन। इशरत भाई, अब तो याद हो चुका है जनाब के रावलपिंडी, जनाब पिंडी बॉय हमारे। वालेकुम सलाम, वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। और ये वो लोग हैं जो हमारे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं कि अब हमें याद होता जा रहा है इन लोगों का कि ये लोग हमारे साथ एक अरसे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों की लोकेशन याद होती जा रही हैं। मेरे ख्याल में अब तो होस्ट का भी टेस्ट आप लोगों का लेने का वक्त आन पहुँचा है कि अब याद होना चाहिए मुझे मेरे ख्याल में। लेकिन बहुत से लोग जिनकी लोकेशंस का अभी तक पता नहीं है, उसको भी ट्राई करेंगे कि लाजमी तौर पे अपने दिल में ही नहीं, अपने दिमाग में भी फिट कर लें। जी जी इशरत भाई, मैं ठीक ठाक जनाब, एकदम चंगा कूल। इसके बाद मौजूद है जी हमारे रेगुलर लिसनर नूर आयजा, कह रही हैं जी उन्हें कुछ पता नहीं। बरा नूर आयजा, हम आपको वेलकम करेंगे, हम बताएंगे आपको इस दिन के हवाले से। हमारे जो लिसनर हैं, जो रावलगुड कम्युनिटी के जो मेम्बरान हैं, वो लाजमी बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। इसके बाद मौजूद हैं जनाब दानिश और साथ में दानी भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, वेलकम करेंगे दानिश भाई। जी दानिश साहब को मेरे ख्याल में जो है ना जी, कोई प्रोग्राम का टॉपिक अच्छा नहीं लगा। वो कह रहे हैं जनाब ये यहूदियों के जो इवेंट्स हैं इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। जनाब कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा, उस हवाले से बात हो रही है जनाब दानिश साहब। और जो है ना, इतना बर्दाश्त किया करें माशरे के अंदर, इसी तरह के रवैये जो होते हैं ना, वो हमारे माशरे को मज़ीद बिगाड़ की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन हमने बिगाड़ने नहीं देना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ शरीफ हैं हमारे साथ, वालेकुम सलाम कहेंगे। इसके बाद कौन कौन मौजूद है? इसके बाद मौजूद है जी हमारे साथ सना उस्मान को कहेंगे वालेकुम सलाम, वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। जी इसके साथ साथ मौजूद है जी हमारे साथ फ़हीम अकबर। फ़हीम भाई को वेलकम करेंगे, कह रहे हैं हमारे लिए इतना अहम नहीं, लेकिन हम बाइकॉट के चक्कर में और ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। जी हाँ जी, एक दफ़ा फिर से आप लोगों को बताते चलूँ कि आज जो प्रोग्राम है आपके सामने, रावलगुड कम्युनिटी की वॉल से जो प्रोग्राम इसे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, आप लोगों की समातों से जो टकराने वाली आवाज़ आसिम सादी की है। और आज का जो टॉपिक 14 फरवरी के हवाले से, आज हम लोग वैलेंटाइन डे के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि ये वैलेंटाइन डे आखिर होता क्या है, इसके क्या मुस्बत और मनफी पहलू हैं।
हमारा ना तो इस दिन से कोई इख्तलाफ है, ना तो हम ये कह देंगे हम लोग इसे कोई हामियों में। ये होस्ट का काम सिर्फ ये होता है कि वो इसके ऊपर डिबेट करवा सकता है और उस डिबेट में जो है ना वो गैर जानिबदाराना तौर पे जो मुख्तलिफ लोगों की जो आरा है उसे लाजमी तौर पे आवाम के सामने रख के हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टॉपिक को पहले समझा करें, सारे के सारे लोग जो है ना वो मेरे ख्याल में बड़ा शऊर भी रखते हैं, तो टॉपिक को समझ के फिर बात करेंगे तो इंशाल्लाह से एक अच्छी बैठक का भी इत्माम होगा और इंटरटेनमेंट तो जारी रहेगी। जी टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने लाजमी बात करनी है, और टॉपिक चूँकि ये टॉपिक जो है वो आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ 14 फरवरी बल्कि आलमोस्ट ये जो कंप्लीट जो आपका जो फरवरी का महीना है इसमें बात की जाए तो कहीं ना कहीं पर हमारी आवाम जो है ना वो खासी डिवाइड हो जाती है। बहुत से लोग इसके मुखालफत में भी एक डे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत से लोग इसकी हमायत में भी इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। और आज जो पैगाम जो मेरे ख्याल में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इस 14 फरवरी के हवाले से, वो आप लोगों के साथ शेयर लाजमी करूँगा। जी आगे बढ़ेंगे जनाब, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। सरदार अवैस मुश्ताक को वेलकम करेंगे, कह रहे हैं सब मासेरों को दुबई से मासेर का सलाम। वालेकुम सलाम जनाब, अवागे दोष पे आपका सलाम पहुंच चुका है जनाब। जुहेब कश्मीरी हैं, वेलकम करेंगे, कह रहे हैं आपने इस मुस्बित पॉइंट पे रखे हैं आप। इसके बाद मौजूद हैं जनाब खान जिशान सदोजी हमारे साथ, कह रहे हैं सॉरी वैलेंटाइन डे, आई मुस्लिम एंड आई डोंट बिलीव इन लविंग अदर फेलो ह्यूमंस। इस्लाम में जो है ना वो इंसानों से मोहब्बत कब मना है जनाब, वो यही तो बात है कि असल में हम लोग बाज़ोकात बहुत गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं बाज़ोकात चीज़ों को। आप मोहब्बत जो है वो तो मेरे हाल में दीन दर्स ही मोहब्बत का देता है, आप उसके पहलू को उजागर कर सकते हैं कि उस मोहब्बत से क्या मराद है। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हम लोग जो है ना वो अपनी तरह की अपने जहन में जो मोहब्बत हैं उसको उस उनको डिफ़ाइन करके तो हम लोग कह रहे हों कि भाई इस तरह की मोहब्बत नहीं। तो आप मुख्तलिफ पॉइंट्स उसके बता सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि मुसलमान का मोहब्बत से तल्लुक ही कोई नहीं होता। हम लोग आगे बढ़ेंगे, एहतशाम बशीर हैं हमारे साथ, वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। जी एहतशाम बशीर कह रहे हैं जनाब वैलेंटाइन क्या होता है जनाब, और इनको लाजमी बताएं जनाब क्या होता है, इनको बताएंगे लाजमी। एहतशाम बशीर आपको भी बताएंगे किसके साथ खाते पीते हैं इसको। इसके बाद मौजूद है जनाब मासा सरदार खालिद हैं हमारे रेगुलर लिसनर, दुबई से हमारे साथ मौजूद होते हैं। मासेर क्या मैं ठीक ठाक जनाब एकदम फिट। जी हाँ जी इसके बाद आगे बढ़ें तो हमारे साथ मौजूद हैं सरदार साकिब नज़ीर को कहेंगे वालेकुम सलाम वेलकम इन प्रोग्राम। जी हाँ जी और आप लोगों को बताते चलें कि आज का जो प्रोग्राम है वो स्पेशली हम लोगों ने संडे मेनिया में, चूंकि आपको मालूम है कि आलमोस्ट 6 मंथ से हम लोग वॉल के ऊपर कोशिश कर रहे हैं बहुत से अहम टॉपिक्स को डिस्कस किया जा सके, इंटरटेनमेंट या कुछ देर खुल के बात तो लाजमी तौर पर वॉल के ऊपर हो, लेकिन इससे हट के माशरे का कोई ऐसा अहम टॉपिक, कोई ऐसी अहम बात, कोई ऐसे अहम निकात के जिनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जिस पर हमारा माशरा बात करना चाह रहा है सुनना चाह रहा है, तो उस हवाले से हमने आज का जो टॉपिक है वो चूज़ किया है। इसमें कहीं पर यह मतलब नहीं है कि हम लोग कोई वैलेंटाइन डे की हमायत में है या उसकी मुखालफत में है, बल्कि हम लोग चाह रहे हैं कि बेसिकली इसकी हमायत और मुखालफत करने वाले हमें बताएं तो सही, क्या आखिर इसमें क्या बुराई क्या अच्छाई है, क्यों हमें इसको रिजेक्ट क्यों इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उस हवाले से बात हो रही है, हमारे साथ रहिएगा।
जी हाँ जी, हाँ ज़ीशान सरदारी की बात को आगे बढ़ाएंगे। कह रहे हैं इस्लाम का ताल्लुक ही मोहब्बत से है, आप भी मैसेज को समझे ही नहीं शायद। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि शायद तो मैं नहीं समझ सका या आप समझाने में थोड़ा सा कहीं पर चूक गए। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं जनाब, आप थोड़ी सी तहसी कर दीजिएगा हमारी भी अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है। बिलाल हैं जी, बिलाल मुस्तफ़ा हैं हमारे साथ, वेलकम करेंगे। कह रहे हैं भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं ठीक ठाक जनाब, आप सुनाएं कैसे हैं आप। इसके बाद मौजूद हैं हमारे साथ खालिद आज़ाद को कहेंगे वालेकुम सलाम, वेलकम करेंगे प्रोग्राम में, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। जी हाँ जी, एहतिशाम बशीर मेरे हाल में जो खासा मसरूफ़ रहते हैं जनाब, और लूडो में शायद इस वजह से नहीं कोई मालूम पड़ रहा। एहतिशाम भाई आपको लाजमी बताएंगे जनाब, टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद मौजूद है हमारे साथ आसिफ शरीफ, वेलकम करेंगे आसिफ भाई, और आसिफ भाई का पैगाम क्या है इस हवाले से वो भी बताएंगे आपको। जी हाँ जी, आसिफ भाई कह रहे हैं जनाब, उनका पैगाम ये है कि इस दिन के हवाले से यही कहूँगा कि इस दिन की हमारे मज़हब और कल्चर में कोई अहमियत नहीं है, बाकी जो दोस्त इसको मना रहे हैं वो अपनी हदूदों की यूद का तयन करके ज़रूर सेलिब्रेट करें। बाकी जहाँ तक मोहब्बत की बात है तो प्यार और मोहब्बत तो हर एक का पैगाम होना चाहिए, नफ़रतें तो आगे ही बहुत फैली हुई हैं। इंसानियत से मोहब्बत हमारे मज़हब की तालीमात भी हैं। तो इसमें आसिफ भाई एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तरफ आप ये कह रहे हैं कि इसका हमारे मज़हब में और हमारे जो है ना वो कल्चर में कोई इसका हिस्सा नहीं है, जबकि उसी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये चूंकि मोहब्बत जो है वो हमें लाजमी आगे फैलानी चाहिए, तो फिर ये कैसे होगा कि जब पूरी दुनिया एक डे सेलिब्रेट कर रही है उन चीज़ों से बालातर होंगे, उसमें क्या बुराइयाँ हैं वो लाजमी तौर पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर एक पैगाम मोहब्बत का है तो फिर वो हमारे कल्चर में और फिर मज़हब में वो किस तरह से अलाओ उसकी इजाज़त नहीं है, वो आप काइंडली थोड़ा सा बात को लाजमी रखेंगे, क्योंकि जो आपका आखिरी जुमला था इस हवाले से मैंने सवाल किया। बाकी आपकी बात से मुकम्मल इतफाक करते हैं। इसरार अहमद है हमारे साथ, वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। जी, इसरार अहमद कह रहे हैं जनाब कि जिसे जदूनी फेसबुक डाउनलोड की थी नहीं पता चलिया कि वैलेंटाइन वी की बला नहीं। जनाब जो भी बला है वो बताएं तो सही, आपको क्या पता चला है, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्तों को अभी नहीं मालूम। साजिद हमीद हैं हमारे साथ जनाब, हेलो हेलो करते हुए हमारे प्रोग्राम में आए जनाब, हम इनको भरपूर वेलकम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी जी, साजिद हमीद साहब आपका पैगाम पहुंच चुका है जनाब, आगे बढ़ें और टॉपिक के ऊपर बात करें। इसके बाद मौजूद है हमारे साथ जी अफशीन कश्मीरी को, वेलकम करेंगे प्रोग्राम। जी जी, आप लोगों को बताते चलें कि संडे मेनिया आप लोगों की समातों से टकराने वाली आवाज़ आसिम सादी की है, और शो इस वक्त जो आप लोग सुन रहे हैं वो है संडे मेनिया, और वाल जो इस वक्त इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हम लोग जुड़े हैं उसे कहते हैं रावलाकोट कम्युनिटी, जिसे हो चुके हैं 9 साल रावलक को ना सिर्फ फेसबुक के ऊपर बल्कि आप ये कह सकते हैं कि अब तो 9 साल नहीं बल्कि 10 अप्रैल को हम लोग जो है ना वो इसकी 10वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, और 10 साल का जो बेहतरीन सफ़र है रावलाकोट कम्युनिटी का वो मुकम्मल होने जा रहा है। एक दहाई का सफ़र है जो कि कम्युनिटी ने सोशल मीडिया और ग्राउंड की सतह के ऊपर किया है, तो इसी रावलाकोट कम्युनिटी का और कश्मीर एजेके का एक विजन था कि हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जहां पर हम लोग बहुत से अहम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर सकें और वहां पर हम आपकी आवाज़ बन सकें। हमारे साथ रहिएगा। Yeah.
जी हाँ जी, आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ हैं जनाब अफशीन कश्मीरी, कह रही है नाइस शो, थैंक यू सो मच तारीफ करने के लिए। आगे बढ़ेंगे सरदार, तो बस हम आरिफ को वेलकम करेंगे। इन्होंने टॉपिक के ऊपर भी बात की है, कह रहे हैं हम तो बाकी दिनों की तरह ही ये भी गुजार लेते हैं जनाब, बाकी प्यार करने के लिए किसी एक दिन का तयन करना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, आपकी राय से, आपकी राय भी आ चुकी है, बेहतरीन बात की है आपने भी। आगे बढ़ेंगे जनाब अफशीन कश्मीरी, कह रही है इस दिन की औरत के लिए कोई अहमियत नहीं, औरत को रिस्पेक्ट चाहिए। तो मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक कैसे हो गया कि मीन के क्या मतलब, मर्दों के लिए वैलेंटाइन डे ठीक है, औरतों के लिए नहीं है। थोड़ा सा हमें मज़ीद भी आप हमें लाजमी बताएंगे इस सिलसिले में भी, और आप लोग जो मैं सवालात कर रहा हूँ आज, उसकी वजह ये है कि ताकि हम लोग मज़ीद इस टॉपिक के हवाले से, इस दिन के हवाले से हम लोग जान सकें और आप लोगों की राय, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ होना या कोई उससे जो है ना वो इतिहाद होना ज़रूरी नहीं है। असल ज़रूरी यह है कि हम लोग इस टॉपिक के ऊपर खुल के बात कर सकें। जी, इसके बाद मौजूद हैं हमारे साथ उरूज खान, को कहेंगे वेलकम इन प्रोग्राम, और इन्होंने भी टॉपिक के ऊपर खुल के बात की है, वो क्या कहना चाह रही हैं वो भी बताएंगे आपको। कह रही हैं मासेरों को क्या पता बला गई वैलेंटाइन क्या है जनाब, और कह रहे हैं हम लोगों को तो ऐसे दिनों में कोई इंटरेस्ट नहीं, हर दिन वैलेंटाइन है, लोग साल में एक दिन मोहब्बत पालते हैं और मासेर नाम है इत्माद का। जी जी, कह सकते हैं जनाब, आपकी अपनी राय है, हम कुछ नहीं कह सकते जनाब के मासेरों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जनाब। 365 दिन जो है ना मोहब्बत के दिन होने चाहिए और मोहब्बत में हुदूदों की लाजमी होनी चाहिए, हम लोग एग्री करेंगे। और होस्ट की बातों से आप लोगों का एग्री करना ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और कौन मौजूद है हमारे साथ, हमारे साथ मौजूद है जनाब इसरार अहमद पिंडी भटियां वाले। जी हाँ जी, और हमेशा की तरह जनाब आप लोग भूल रहे हैं कि आप लोगों ने हमें नहीं बताया कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमें सुन रहे हैं। बहुत से लोगों की लोकेशन तो मैंने खुद बता दी है क्योंकि याद होती जा रही है, लेकिन जिन लोगों की नहीं मालूम आप लोग लास्ट में बताएं जनाब। हम लोग ना तो आप लोगों की लोकेशन बताने में बिल्कुल नहीं घबराना, ना तो चंदा मांगने आएंगे और ना ईद पे आएंगे, कोई आप लोगों का नुकसान नहीं होगा, हमारे साथ रहिएगा। जी, आगे बढ़ेंगे जनाब, इसरार अहमद है हमारे साथ, कह रहे हैं ये तो फेसबुक से ही पता चला है, वरना तो हमारा हर दिन ये मोहब्बत से शुरू होता है, आंखें खोलते हैं माँ बाप नज़र आते हैं, फिर पूरा दिन बहन भाई इनके साथ, अपनी आल औलाद भी। जी जी, मोहब्बत ही मोहब्बत। आगे बढ़ेंगे जनाब हमारे साथ जी अफशीन कश्मीरी ने मेरे हाल में रीचेक किया है और कह रही है जनाब मर्द के लिए भी नहीं सर, मतलब कि किसी जेंडर के लिए ये दिन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आपका एक पॉइंट आ गया। आसिफ शरीफ हैं जिनसे हमने कोई सवाल किया था, आसिफ भाई क्या जवाब दे रहे हैं वो भी बताएंगे आपको, कि आसिफ भाई ने पहले बात की थी कि मोहब्बत जो है ना वो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, जबकि दूसरे जुमले में इन्होंने कहा था कि ये चूंकि हमारे मज़हब ही जो है ना मोहब्बत का पैगाम देता है। तो उस हवाले से मैंने एक छोटा सा सवाल किया था अपने भाई से, बता कुछ उन्होंने जो पैगाम दिया है वो भी लाजमी बताएंगे। कह रहे हैं जनाब मोहब्बत और प्यार को किसी खास दिन के लिए मखसूस नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए, हम इस दिन को अपने कल्चर के हिसाब से तो शायद ना मना सकें, लेकिन मोहब्बत और एहसास के रिश्ते को ज़रूर आगे फैलाया जा सकता है, मोहब्बत के पैगाम के लिए किसी खास दिन को चुना नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है जनाब, आपका पॉइंट आ गया। आगे मौजूद हैं हमारे साथ जी बिलाल तन्हा, वो कहेंगे वेलकम इन प्रोग्राम। इनके साथ साथ मौजूद है जनाब फरीहान, हमारे रेगुलर लिसनर, वेलकम करेंगे लंगी। अच्छा जी
जी हाँ जी, साथ ही साथ हम थैंक यू करेंगे आमना खान का कि चूंकि आपको मालूम है कि न्यू आइडिया जनाब पाबंदियां शाबंदियां लग गई हैं जनाब मार्क जकरबर्ग की टीम की तरफ से कि 60 दिन के लिए आपने अपनी जो पुरानी आईडी है आसिम सादी की उस आईडी से आपने जो है ना बिल्कुल भी आप लोग ने जो है ना वो लाइव नहीं जा सकते। 60 दिन की जो है ना कैद बा मशक्कत की सज़ा सुनाई गई है मुझे, और आप लोगों को बताते चलें कि कोई ऐसी गलती भी नहीं की थी, कोई 2018-19 की कोई गलतियाँ थी जिनको जो है ना वो उन्होंने बेस बना के वो उन्होंने मुझे ऐसी सज़ा दी है। तो इस वजह से ये जो मेरी सेकेंड आईडी है, आप लोग काइंडली मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा इस पर, क्योंकि ये आईडी जो है ना स्पेसिफिकली सिर्फ रावलागुड़ कम्युनिटी के लिए और इस ग्रुप इस ये जो मेरा प्रोग्राम है इसके लिए मैंने एक्टिव की है। और आप लोग चूँकि अगर ऐड होंगे तो जब भी प्रोग्राम लाइव आएगा तो आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर तबीयत में गरा ना गुजरे तो लाजमी भेज दीजिएगा। जी हाँ जी, हमारे साथ रहिएगा और आप लोगों को बताते चलें कि संडे मेनिया की एक और एपिसोड जो है ना वो अपने ऑलमोस्ट अपने सफ़र जारी और सारी रखे हुए आगे बढ़ रही है। और आज का जो टॉपिक है 14 फरवरी के हवाले से, और बेहतरीन जो है ना आप लोग इस वक्त तक खेल रहे हैं मेरे ख्याल में चौके छक्के और सीमा रेखा से बाल जो है ना वो बार बार बाहर फेंकी जा रही है, कंक्लूड करेंगे उसे। जी, अफशीन कश्मीरी ने बताया जहाँ हजीरा से, हजीरा वालों को भरपूर वेलकम करेंगे। इसके बाद मौजूद हैं हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमर रजा को कहेंगे वेलकम इन प्रोग्राम। जी, और उमर रजा कह रहे हैं जनाब के वो मौजूद हैं बहरीन के अंदर, बहरीन वालों को भरपूर वेलकम करने के बाद जी हमारे साथ मौजूद हैं फरी खान, कह रहे हैं जनाब बाबा जी आबू धाबी। जी, इसके बाद मौजूद हैं हमारे साथ जी खुर्शीद मोहम्मद, खुर्शीद कह रहे हैं जनाब मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, जनाब मोहब्बत दिल में ही होती है जनाब, लेकिन दिल कौन खोल के देख सकता है, इस वजह से थोड़ा बहुत इजहार भी लाजमी है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हैं हमारे साथ जनाब सरदार रिजवान को कहेंगे वेलकम इन प्रोग्राम, कह रहे हैं जनाब कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक जनाब, एकदम चंगा कूल। जी हाँ, इसके बाद मौजूद है हमारे साथ जी मुजम्मल शाहीन को कहेंगे वेलकम इन प्रोग्राम, कह रहे हैं लोग समझते हैं कि बुध सिर्फ पत्थर की मूर्ति का नाम है। जी हाँ जी, और क्या कह रहे हैं जनाब के पत्थर की मूर्ति का नाम है, और वो चीज़ जो आपके दिल में अल्लाह से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाए वही आपका बुध है। आप गौर करें आपने किस चीज़ का बुध बना रखा है जनाब। ठीक हो गया जनाब, आपकी बात भी आपने दिलचस्प बात की है मुजम्मल शाहीन। जी हाँ जी, इसके बाद मौजूद है जी हमारे साथ जी मोहम्मद इब्रार खान जी, रावलागुड़ कम्युनिटी के जो है ना शुरू में जिन लोगों ने बुनियादें रखी उनमें शामिल, और मोहम्मद इब्रार खान को कहेंगे वेलकम इन प्रोग्राम, वालेकुम सलाम। जी हाँ जी, इब्रार भाई मैं ठीक ठाक जनाब, एकदम चंगा कूल, आप बताएं। जी हाँ जी, इसके बाद मौजूद हैं हमारे साथ जी सजाद कश्मीरी को कहेंगे वेलकम इन प्रोग्राम, कह रहे हैं हमें हर दिन मोहब्बतें बांटनी चाहिए, किसी दिन की मोहताज नहीं होती मोहब्बत। ठीक हो गया जनाब। जी, और आप लोगों ने बिल्कुल खामोश नहीं रहना जनाब, एक तो जिन लोगों ने हमें अपनी लोकेशंस नहीं बताई सबसे पहला काम तो वो ये करें, और इसके बाद आप लोगों ने टॉपिक के ऊपर लाजमी बात करनी है। और रावलागुड़ कम्युनिटी का जो प्लेटफॉर्म है, मैंने कुछ दिन पहले आसिफ भाई का सुन रहे हो तो उनके एक प्रोग्राम था उसमें भी मैंने यही कहा था कि 9 साल का जो हमारा सफ़र है उसमें हमने लोगों को अपने मसाइल के हवाले से अपने अहम जो पैगामात हैं अपनी जो अहम बात करने का जो हुनर है वो करना हमने उन्हें सिखाया है, और इस वजह से आप लोगों ने लाजमी तौर पर ये काम करना है कि इस टॉपिक के ऊपर आपने खुलकर बात करनी है। और इस प्रोग्राम में रहते हुए आप लोगों ने बिल्कुल खामोश नहीं रहना, आपने अपने अंदर लिखने की सलाहियत पैदा करनी है, इस चीज़ से बिल्कुल कता तल्लुक है आपकी क्या तालीम है, आप इससे पहले किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी, आप किस तरह से लिखते रहे, डजेंट मैटर, आप लोग कम्युनिटी की वॉल
हर दम आप लोगों के लिए हाजिर है कि आप एक बेहतरीन लिखारी बनकर उभरे और अपने माशरे के जो अहम मसाइल हैं उनको आप लोग उजागर कर सकें। हम लोगों ने भी यहाँ से सीखा, इस वजह से आपने खामोश नहीं रहना और टॉपिक के ऊपर खुल के बात करनी है। हमारे साथ रहिएगा। जी, मोहम्मद इब्रार खान कह रहे हैं, जनाब याद रखने का शुक्रिया जनाब, अल्लाह पाक का करम है जनाब, बिल्कुल अच्छे हैं आजकल, फिट रहने के लिए दौड़ लगा रहे हैं जनाब, जारी रखें जनाब दौड़ जो है ना, ना सिर्फ ये बल्कि ज़िंदगी के जो मसाइब हैं उनके खिलाफ भी दौड़ते रहें, रुकना नहीं है आपने, रुकने का नाम नहीं, चलने का नाम ज़िंदगी है। मोहम्मद इब्रार खान कह रहे हैं जनाब, अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने बता दिया हमें कि कहाँ पर मौजूद हैं, कह रहे हैं जबले अली दुबई से जो है ना आपके साथ में मिले जनाब, जुड़े रहिए। जी हाँ जी, और एक दफ़ा फिर से आप लोगों को बताते चलें कि आज का जो प्रोग्राम जो इस वक्त आपकी समातों से टकराया जा रहा है जनाब, संडे मेनिया का ये प्रोग्राम है जो कि रावलकोट कम्युनिटी की वॉल से इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, और आज का जो टॉपिक है वो वैलेंटाइन डे के हवाले से है कि वैलेंटाइन डे के हवाले से आप क्या जानते हैं, इसके मुस्बत और मनफी पहलू क्या हैं, उस हवाले से आप लाजमी बात कर सकते हैं। और आपको याद करवाता चलूँ कि आप लोगों की बनेंगे आवाज़ हम लोग और हवा के दोष पर बताएँगे पूरी दुनिया को आप लोगों का पैगाम। जी हाँ जी, इन्हीं बातों के अंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं अदील खान खान जो है ना हमारे रेगुलर लिसनर, और अगर कहा जाए कि हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले एंट्री करते थे लेकिन चूंकि आईडी तब्दील होने की वजह से मेरे ख्याल में थोड़ा सा लेट हुए, और वेलकम करेंगे अदील भाई आपको भी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं परीजा परी हमारे रेगुलर लिसनर, रावलकोट कम्युनिटी की होस्ट, वेलकम करेंगे, वालेकुम सलाम। इसके बाद हैं जी हमारे साथ सजाद कश्मीरी, जिनको पहले भी हमने वेलकम किया था, कह रहे हैं जनाब इस्लामाबाद के प्यारे मौसम में बैठकर आपकी आवाज़ को एंजॉय किया जा रहा है जनाब, और आपने मौसम की बात की तो ये फिर कैसे हो सकता है कि जी वादी का मौसम ना बताया जाए। और यहाँ पर एक भाई होते थे, मुझे नाम भूल गया उनका, जो हमेशा इस प्रोग्राम में आकर हमसे मौसम का हालचाल लाजमी पूछते थे, और आप लोगों को बताते चलूँ कि आज का जो हमारा जो मौसम है यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम चल पड़ा है, हालांकि थोड़ा सा हम लोगों को खदशा है कि कहीं पर खुशहाली ना हो जाए, क्योंकि बर्फ़ उस तरह से नहीं पड़ी, धूप है और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धूप आप इस वक्त कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर, और आप जो मौसम है वो बेहतरीन, और बाहर का मौसम जो है ना वो शुरू हो चुका है, और लोगों ने शजरकारी का जो है ना आगाज़ कर दिया है। अगर फूलों को देखा जाए तो इस वक्त आप लोगों के वो आपका फ्रूट जो कि जल्दी तैयार हो जाता है, जिसमें खुबानी का जिक्र जो है ना वो सर फहरिस्त है, जिसमें उसमें जो है ना वो फूल उगने का सिलसिला अब शुरू होना शुरू हो गया, वो नज़र आना शुरू हो गया कि जैसे बाहर आ चुकी है, और उन्होंने जो है ना वो फूलों का जो मेला है ना वो सजने वाला है। ये मौसम है आजकल आपकी वादी का। जी हाँ जी, थैंक यू सो मच जी सजाद कश्मीरी भाई, हमें सुनते रहे जनाब खूबसूरत मौसम के अंदर। और अगर आपको बताते चले इस्लामाबाद का मौसम खूबसूरत है तो हमारा मौसम भी बहुत खूबसूरत है। इसके बाद हैं हमारे साथ जी सरदार रिजवान, कह रहे हैं जनाब मैं भी जो है ना रावलको रिहाड़ा से हूँ जनाब, भरपूर वेलकम करेंगे जनाब रिहाड़ा वालों। जी हाँ जी, इसके बाद जी अदील खान खान जिनका जिक्र किया था, वालेकुम सलाम कहेंगे, कह रहे हैं रावलपिंडी से सुन रहे हैं जनाब पिंडी बॉयस। जी जी, अफशीन कश्मीरी कह रही हैं कि जनाब मैं फर्स्ट टाइम आपका शो जो ना सुन रही हूँ, 20 मिनट से सुन रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आपके टॉपिक में क्वेश्चन क्या है, मैं तो ऑलमोस्ट 5 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो वैलेंटाइन डे के हवाले से है, कि वैलेंटाइन डे के बारे में आप लोग क्या जानते हैं और इसके मुस्बत और मनफी पहलू क्या हैं।
जी हाँ जी, इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं जी रूहे बिस्मिल, माह मलिक, सबको भरपूर वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। रूहे बिस्मिल बड़े अरसे बाद जो है ना वो मेरे ख्याल में प्रोग्राम में नजर आई हैं, भरपूर वेलकम करेंगे। कह रही हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड वी ऑफन थिंक दैट वैलेंटाइंस डे इज जस्ट फॉर कपल्स बट इट डज नॉट हैव टू कन्फाइन टू रोमांस, फैमिलीज फील द लव टू लविंग यूर्स। जी हाँ जी, बहुत ही अच्छा पैगाम रूहे बिस्मिल। मेरे ख्याल में चूंकि मोहब्बत को जो है ना किसी ख़ास दायरे कार तक महदूद करना नहीं है, मोहब्बत तो आप लोगों की आपके ख़ानदान के साथ, आपकी फैमिलीज़ के साथ, इंसानियत के साथ, जानवरों के साथ, चिरिन परिंद तक जो है ना पूरी की पूरी कायनात जो है ना मोहब्बत के हिसार में गिरफ्तार हो सकती है। आप लोग इस किसी एक ख़ास जो है ना वो मंशा और किसी एक ख़ास तक जो है ना वो ये किसी ख़ास दायरे कार तक महदूद नहीं कर सकते। माह मलिक क्या कह रही हैं वो बताएँगे आपको। जी हाँ जी, और हमेशा की तरह जी माह मलिक को कहेंगे वालेकुम सलाम, और कह रही हैं आसिम भाई लाइट नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही कि माह मलिक आप कराची में किस बॉर्डर पे रह रही हैं कि जहाँ पर आपकी लाइट का इशू है। बस मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ भी लाइट के इश्यूज होते थे, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट फिक्स हो चुके हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। लेकिन अगर हमारी पैगाम हमारी ये प्रोग्राम जो है ना के इलेक्ट्रिक तक पहुँच जाए, और कोई ऐसा बंदा जो के इलेक्ट्रिक वालों को जानता है, वो लाजमी तौर पर इनको बताया कि जी माह मलिक ने इसे प्रोग्राम सुनना होता है, तो उनकी लाइट का जो प्रॉब्लम है फिक्स कर दें। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ जी, इसके बाद मौजूद है जी हमारे साथ शाहिद सदुजी, कह रहे हैं जनाब मोहम्मद अबरार खान को जी मेरी तरफ से वैलेंटाइन डे विश करते हैं। जनाब अबरार भाई, आप तक हमारा पैगाम लाजमी पहुंच चुका होगा जी। सरदार मोइन आरिफ कह रहे हैं जनाब इस्लामाबाद से सुन रहे हैं, वेलकम करेंगे। मोइन भाई भी आज मुझे काफ़ी लेट लग रहे हैं, और शाहिद भाई आपकी तरफ जो है ना शुक्रिया का पैगाम जो है ना अबरार भाई की तरफ से वो कबूल कर चुके हैं आपका डे। आगे बढ़ेंगे जी, माह मलिक क्या कह रही हैं। जी हाँ जी, माह मलिक कह रही हैं कि जी मैं तो वैलेंटाइन डे को बहुत सोती हूँ, फैमिली है, दोस्त हैं, रोज़ ही मोहब्बतें बांटी जाती हैं, इनके लिए कोई स्पेसिफिक डे नहीं होता। जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, आपका भी एक पॉइंट आ गया कि कोई स्पेसिफिक डे नहीं होता। और इसके बाद हैं जी हमारे साथ ये कौन है जी, सरदार जुनेद मुमताज़ हैं। मेरे कुछ नहीं पता इस बारे में, मेरे नज़दीक ऐसा कोई दिन नहीं होता। दिन तो होता है जनाब, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो दिन कैसे मनाया जाए इस हवाले से बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे। जी हाँ जी, आगे बढ़ेंगे जी रूहे बिस्मिल। मजीद जो है ना टॉपिक के चूंकि दो हिस्से थे, इसमें जो पहला जो हिस्सा था कि आप लोग क्या जानते हैं, तो उस हवाले से वो बात कर रही हैं। कह रही हैं वैलेंटाइंस डे टिपिकली सर्व्स एज अ टाइम टू शो द अप्रिसिएशन फॉर द स्पेशल समवन इन आवर लाइव्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। जी हाँ जी, वो तो इसे एक अपॉर्चुनिटी जो है ना एक मौका करार दे रही हैं, जहाँ पर आप लोग जो है ना इस अपने रिलेशनशिप को जो है ना मज़ीद आगे नेक्स्ट लेवल पर आप लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया जी, आप रूहे बिस्मिल आपने बेहतरीन पॉइंट जो है ना दोनों मेरे ख्याल में जो दोनों सवाल थे उसके ऊपर आपने अपनी राय रखी है। जी हाँ जी, सजाद कश्मीरी कह रहे हैं जनाब जल्दी बहार के मौसम में आपकी अजीम धरती पर मेरा इवेंट भी है। जनाब सजाद भी लाजमी तौर पर बताएं हमारा कि आपको कौन सा इवेंट है, और हम कोशिश करेंगे कि लाजमी तौर पे शामिल हूँ। इसके बाद हैं जी हमारे साथ जी चौधरी गजल खान को कहेंगे वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, गुड टॉपिक, थैंक यू सो मच जनाब, मैं ठीक ठाक एकदम चंगा गूल। और खान फारे जिनको मेंशन किया गया था अमना खान की तरफ से, वो हाजिर हो चुकी हैं, वेलकम करेंगे।
उसके बाद जी हमारे साथ जी जुनेद खान को कहेंगे वालेकुम सलाम, वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। लुकमान नवाज हैं जनाब, सलाम, कैसे हैं भाई? प्रोग्राम अच्छा आपका, थैंक यू सो मच जी लुकमान भाई तारीफ करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जी हमारे साथ जी उमेर अरशद जी, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और लाहौर के हमारे बेहतरीन संगी, कह रहे हैं जनाब के भाईजान क्या हाल है? मैं ठीक ठाक जनाब उमेर भाई, आप तो हाल चाल ही नहीं पूछते। आगे वो कह रहे हैं जनाब मैं भी पूछना है तुसे। बहुत शुक्रिया जी उमेर भाई कि आपने टाइम निकाला जनाब। इसके बाद आगे बढ़ेंगे जनाब, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है जनाब। ना सिर्फ मेहमानों का, बल्कि अपनी जबान में कहे तो नाठियों की आमद का सिलसिला जारी है जनाब। और जब नाठी मेहमान जो है ना घरों में आते हैं तो उनको भरपूर वेलकम किया जाता है, खुशामदीद किया जाता है, उन्हें एक प्रॉपर जगह पर बैठाया जाता है, उन्हें एंटरटेन किया जाता है जनाब। वही सिलसिला हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं जनाब। जुई हारे हमारे साथ वालेकुम सलाम कहेंगे, वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। इसके बाद मौजूद हैं हमारे साथ जी सरदार रिजवान, क्या कह रहे हैं वो भी बताएंगे आपको। जी हाँ जी, इसके बाद जी हमारे साथ जी सरदार रिजवान कह रहे हैं जनाब मैंने तो कभी बनाया ही नहीं है भाई, तो क्या पता होगा जनाब। ज़रूरी नहीं है भाई कि ये जो है ना बनाने से ही पता चले, बल्कि आप तो वैसे भी जो है ना अगर सोशल मीडिया से अटैच हैं तो एक पता चल जाता है, लेकिन अगर नहीं मालूम तो आज के बाद पता चल जाएगा। अफशीन कश्मीरी हमारे साथ जो है ना उनकी राय शामिल करेंगे। वो कह रही है जनाब के पहलू के एक भी नहीं, अगर मशरकी रवायत के मुताबिक मनाएंगे बाकी मैरिड लोग इजहार मोहब्बत करें और अनमैरिड जो है ना रिश्ता भेज कर अपनी पसंदीदगी का रिश्ता करें। लव और फ्लर्ट में फ़र्क वाजे करने के लिए इस दिन को मनाया जाए। इस डे के नेम बदल कर अज़दवाजी डे रख लें। ठीक हो गया जनाब, आपकी राय जो है ना वो आपकी राय भी आ चुकी है कि इस डे के हवाले से कि हम लोग चूँकि कि मोहब्बत जो है ना वो बेसिकली वो मेरे ख्याल में कहना चाह रही हैं कि जो निकाह का जो रिश्ता है ना वही सबसे खूबसूरत है, उसमें जो है ना इस तरह की मोहब्बत का इजहार किया जाए। इसके बाद जी हमारे साथ मौजूद हैं जी सरदार आतिफ रियाज, कह रहे हैं नाइस आसिम साहब, थैंक यू सो मच जी आतिफ भाई तारीफ करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी शाहिदा खान कराची से, वो इस टॉपिक के ऊपर क्या बात कर रही हैं वो भी बताएंगे आपको। जी हाँ जी, आगे बढ़ेंगे और शाहिदा खान ने जो है ना खुल के बात की है टॉपिक के ऊपर। वो कह रही हैं कि वैलेंटाइन डे क्या है, इसकी डेफिनेशन की तरफ नहीं जाऊंगी, यहाँ इतना लिखना मुमकिन नहीं है। और ये भी ठीक है कि मोहब्बत का कोई एक दिन मुकर्रर नहीं है, हर दिन अपने इर्द गिर्द फैमिली में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खलूस से पेश आना चाहिए, लेकिन इस दिन को मनाना चाहिए या नहीं इसके लिए कहूँगी कि इसकी जो असल वजह शोहरत है कि कपल्स आपस में मोहब्बत का दिन मनाते हैं, अगर तो हस्बैंड वाइफ हैं तो कोई मज़ायका नहीं, लेकिन दूसरी जानिब जो लड़के लड़कियां इस दिन को मनाते हैं वो रवायत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए पेरेंट्स ज़िम्मेदार हैं, अपने बच्चों को अच्छाई बुराई का बताएं और इनके हाल पर ना छोड़ें और ये दिन बुराई को फैलाने का सबब बनेगा। टू बी कंटिन्यू, थैंक यू सो मच। और मैं कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत पैगाम खुल के आपने जो है ना, मगर कहूँ कि आपने शॉट खेला है तो गलत नहीं होगा कि असल वजह क्या है इसकी बुराई जो है ना, बेसिकली वो यही है कि जो इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे माशरे में कुछ हदूद व क्यूद मौजूद हैं, कोई निकाह का एक सिलसिला मौजूद है, उसको आप लोग पैसे पुश डाल कर तो अगर कोई
आप एक जो है ना मुकम्मल तौर पर आज़ादी चाहेंगे और उन हदूद को फलांगना चाहेंगे इस डे की मुनासिब से, तो हम लाजमी तौर पर इसकी नफ़ी करेंगे। लेकिन मोहब्बत अगर एक बेटे की माँ से, एक बेटे की बहन भाइयों से और हस्बैंड की वाइफ से और अपनी औलाद के साथ है, तो उस मोहब्बत पर कोई पाबंदी नहीं है, उस पर कोई दीन पाबंदी नहीं लगाता। ये मेरी एक राय है। आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच शाहिदा खान के खुल के बात करने के लिए। जी जी, निसार आज़म है जनाब, सॉरी आज का प्रोग्राम नहीं अटेंड कर सका जनाब, सॉरी की ज़रूरत नहीं है जनाब, प्रोग्राम अभी जारी है और प्रोग्राम जो है ना अभी काफ़ी सारा टाइम बाकी है, आप टॉपिक के ऊपर भी खुल के बात कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे जी। उमर अर्शद कह रहे हैं जनाब भाईजान वो गल्लां गईयां आईयां जनाब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब उमर मेहर भाई के, आप लोग जो है ना अब तो कहाँ पर टाइम देंगे जनाब, अपने अपने वैलेंटाइंस के साथ आप लोग बिजी होंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं। जी हाँ जी, इसके बाद मौजूद हैं जी हमारे साथ जी मोहम्मद इश्तियाक को कहेंगे वालेकुम सलाम, कह रहे हैं कि जनाब वो हमें सुन रहे हैं जनाब, रियाद सऊदी अरब से हमें सुन रहे हैं, वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। इसके बाद हैं जी हमारे साथ जी निसार आजम को कहेंगे वालेकुम सलाम, कह रहे हैं जनाब कि वो मौजूद हैं हमारे साथ रिसालपुर से, इस वक्त हमें सुन रहे हैं, वेलकम करेंगे तमाम भाइयों को। और जो लोग भी नए हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं उन तमाम लोगों को बताते चलें कि यूँ तो बहुत से लोगों ने खुलकर बात की है इस हवाले से, टॉपिक के ऊपर खुल के बात की है, तो आप लोगों को लाजमी बताएं कि आज का जो टॉपिक है वो है वैलेंटाइन डे के हवाले से, कि आप लोग क्या जानते हैं जी वैलेंटाइन डे के हवाले से और क्या हमें इसे मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, इस हवाले से बात हो रही है। जी हाँ जी, आगे बढ़ेंगे जनाब। मेहमानों की आमद का सिलसिला जो है ना प्रोग्राम आलमोस्ट जो है ना इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट 14 फरवरी के हवाले से। मोहम्मद अदनान सदुजी हमारे साथ, आसिम भाई कैसे हैं जनाब? मैं ठीक ठाक जनाब, एकदम चंगा कूल, आप बताएं इतना पे। जी हाँ जी, और 14 फरवरी के हवाले से जनाब खुल के राय दी है लोगों ने और बहुत से लोगों की, आप लोगों की राय से हम लोग जो है ना इख्तलाफ या हमारा जो है ना वो इसकी हमायत करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप लोगों ने दोनों अतराफ़ के जो पॉइंट्स थे उनमें से हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर हम लोग इतफाक़ कर सकते हैं, मतलब इस दिन के हवाले से जो इख्तलाफ है उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं अपने माशरे के हिसाब से, अपनी रवायात के हिसाब से उसे कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। हमारे साथ रहिएगा। जी जी, और इसके साथ साथ जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन लोगों को बताते चलूँ कि चूंकि ये जो प्रोग्राम है मैं अपनी न्यू आईडी से कर रहा हूँ और बहुत से लोगों के पास इस वजह से भी नोटिफिकेशन नहीं किया होगा प्रोग्राम का, तो आप जो लोग भी हमें मुझे इस वक्त सुन रहे हैं उन तमाम लोगों से कहूँगा कि मुझे लाजमी तौर पर रिक्वेस्ट सेंड कर दें, या मैं सेंड कर दूँगा, कोशिश करूँगा जो नाम मेरे जहन में रहे तो आप लोग एक्सेप्ट कर दीजिएगा या मेरी तरफ भेज दीजिएगा, ताकि इस आईडी को प्रॉपरली हम लोग सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए मैंने जो है ना एक्टिव की है, और ताकि जब भी हम लोग ये प्रोग्राम करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो सारे मेहमान नाठी जब मौजूद होंगे तो तब मजीद खुल के बात हो सकेगी। हमारे साथ रहिएगा। जी जी, इसके साथ साथ जी मोहम्मद सदाम कश्मीरी शुक्रिया अदा कर रहे हैं आमना खान का, और ना सिर्फ सदाम कश्मीरी बल्कि मैं भी शुक्रिया अदा करूंगा आमना खान का कि जिन्होंने मेंशन किया, और चूंकि काफ़ी हादसा यूँ तो हम लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि मेंशन नहीं किया जाए चूंकि पैगाम बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज चूंकि न्यू आईडी थी तो थैंक यू सो मच आमना खान।
इसके बाद हैं जी हमारे साथ जी मोहम्मद सदाम कश्मीरी जो है ना जी, वेलकम करेंगे भाई को। और जनाब कह रहे हैं आसिम भाई तुसे आज माड़ी सारी थकावट दूर करी छोड़ी, तुसे नहीं आवाज़ भी जादू दसने जनाब। थैंक यू सो मच जी सदाम कश्मीरी, आपके ये अल्फाज कहीं ना कहीं पर मेरे लिए एक आप समझने के एक अवार्ड से कम नहीं है। और वेलकम इन प्रोग्राम जी महा मलिक जनाब। इन्हीं बातों के अंदर जनाब ये खुशखबरी अब तमाम लोगों के लिए कि महा मलिक की लाइट आ चुकी है। जी हाँ जी, इसके बाद हैं जी मोहम्मद जायद हमारे साथ। वालेकुम सलाम, कह रहे हैं कैसे हैं सब। हम सब ठीक ठाक जनाब, आप सुनाएं आप कैसे हैं। जी हाँ जी, कह रहे हैं मेरे एक दोस्त का सऊदी अरब में एक्सीडेंट हुआ है, दुआ की अपील जनाब। हमारी बहुत सी दुआएं संडे मेनिया के इस प्रोग्राम के जरिए से, रावलगुर कम्युनिटी की इस वॉल के जरिए से, कि भाई जल्दी से सेहत याब होकर अपनी फैमिली के पास अपने दोस्तों के पास वापिस आ जाए। के बाद मौजूद हैं जी सरदार मोहम्मद जी हमारे साथ हैं। इफ्ती में अगर गलत नहीं बढ़ रहा हूँ तो वालेकुम सलाम कहेंगे, वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। इसके बाद है जी हमारे साथ जी हमारे प्रोग्राम की एक हमारी रौनक भी कह सकते हैं जनाब अदील अहमद जी प्रोग्राम में शामिल हुए, वेलकम करेंगे। जी हाँ जी, दील अहमद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वैलेंटाइन डे क्या है, क्यों मनाया जाता है जी, तारीखी पस मंजर में जाना तो मुश्किल होगा। बहरा दुनिया में मोहब्बत के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इस दिन को भी नेगेटिव लिया जाता है। इस दिन को सिर्फ लड़की और लड़के के तल्लक तक महदूद किया जाता है। मेरे लिए ये दिन मोहब्बत का दिन है, जिसमें अपने सब अहबाब दोस्तों को, आसिम सादिक और इनके तमाम सुनने वालों को वैलेंटाइन डे मुबारक। जी और अदील भाई, आपने जो तारीफ की आपने जो तारीफ बयान की है इस वक्त इस दिन के हवाले से, तो उस हवाले से अगर मोहब्बत का आलमी दिन, तो मोहब्बत के आलमी दिन पर जो है ना रावलगुड़ कम्युनिटी की बॉल कभी पीछे नहीं रहेगी जनाब। हम भी आपको मुबारकबाद देंगे, लेकिन इसका दायरा कार जो है ना महदूद नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपने बताया कि इसे जो है ना किसी कोई ऐसे रिश्तों तक महदूद नहीं करना चाहिए, चूँकि अगर ऐसे रिश्तों की बात की जाए तो इन रिश्तों की इजाज़त जो है ना वो कहा जाता है कि हमें उन हदूद व क़ुयूद को नहीं फैलांगना चाहिए। हमारे लिए कुछ हदूद व क़ुयूद मौजूद हैं, वो हमारे दीन में भी, हमारी मशरक़ी रवायात में भी हैं। उनमें रहते हुए हमने मोहब्बत का जो भी पैगाम है उसको बुलंद करना चाहिए। और आज ख़ास तौर पर मैंने बात करनी थी इस दिन के हवाले से, जो आज मैंने तहरीर देखी हामिद कामरान की, हामिद भाई की, पहाड़ी शायर के हवाले से। उन्होंने क्या लिखा, बहुत ही खूबसूरत तहरीर थी। जी पैगाम शामिल करके, तो फिर मेरे ख्याल में मैं बात रखता हूँ जी। मोहम्मद सरदार मोहम्मद इफ्ती कह रहे हैं जनाब कि आखिरी टाइम जो है ना, आखिरी टाइम रहनमाई करें जी, वैलेंटाइन के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बिल्कुल लाजमी बताएंगे जनाब, हमारे सारे दोस्त जुड़े रहें, लाजमी तौर पर आखिरी प्रोग्राम के आखिर में लाजमी तौर पर कंक्लूड करेंगे, और आपकी वजह सारे शकूक और शुबात हैं उसको दूर करेंगे। और किन्जा शबीर हैं हमारे साथ, वेलकम करेंगे किन्जा प्रोग्राम में आपको। मोहब्बत एक पाकीज़ा जज्बा है, मन चाह हासिल हो न हो मोहब्बत को पाकीज़ा रखें। और आज के दौर में वालदेन को मोहब्बत ही सच्ची मोहब्बत है, इनको समझें, यही है असल मोहब्बत। ठीक हो गया जनाब, ज़बरदस्त बात। और अदील अहमद है हमारे साथ, फिर से कह रहे हैं जनाब मोहब्बतें बिखेरें, मोहब्बतें समेटें, नफरतों को ख़त्म करें और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। ज़बरदस्त जी हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत पैगाम जनाब आपकी तरफ से, वो किन्जा शबीर का हो, अदील अहमद का हो, बाकी तमाम दोस्तों का हो, ज़बरदस्त बात की है। मगर आज इस पैगाम को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। मैंने आज आपसे बात कर रहा था कि हामिद कामरान ने जो है ना एक तहरीर लिखी थी और अपनी तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उनके बच्चे मौजूद थे, उनकी वाइफ मौजूद थी, और उन्होंने उनके ऊपर तहरीर लिखी कि इस आलमी दिन मोहब्बत का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस मोहब्बत के आलमी दिन को मैं उस बंदे के नाम करना चाह रहा हूँ, अपने शरीक हयात के नाम के, जिन्होंने
अपनी ज़िंदगी में अपनी तमाम तर मेरे साथ दुख और तकलीफ़ों को मेरे साथ झेला, जिन्होंने कभी कोई शिकवा जो है ना अपनी ज़बान पर नहीं लाया, कभी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं की कि मुझे अपनी महरूमियों का जो है ना वो एहसास हो सके, कभी ऐसा नहीं किया कि मैं जो है ना वो बीमारी के जो है ना बिस्तर के ऊपर बेड के ऊपर पड़ा हूँ और पूरी पूरी रात जाग के मेरी जो है ना खिदमत करती रहे। उन्होंने कहा कि आज का जो मोहब्बत का जो डे है वो मैं उनके नाम करता हूँ, वो इस मोहब्बत करने वाली जो बेगम है उसके नाम करता हूँ और मेरा वैलेंटाइन वो है। तो ये वो खूबसूरत पैगाम था जो मेरे ख्याल में आज के दिन के हिसाब से मुझे वाल के ऊपर सोशल मीडिया पर नज़र आया। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमने कहीं ना कहीं पर इस ये जो रिश्ता था मियाँ बीवी का, इसके हवाले से हमने इतनी बातें गढ़ी हैं, इतने हमने जो है ना इतने लतीफ़े गढ़े हैं और ऐसी ऐसी जो है ना वो सस्ती शोहरत के लिए ऐसी ऐसी बातें की हैं बेचने के लिए कि कहीं ना कहीं पर हमने इस रिश्ते का जो हुस्न था ना वो हमने धुंधला दिया। हमारे लिए कोई गैर जो लड़की है वो बग़ैर निकाह के वो तो काबिले कबूल है, उसको फूल भेजना भी कबूल है, लेकिन वो जो कि सारी ज़िंदगी हमारे बच्चों की खिदमत पर हमारे वालदेन और हमारे घर की रखवाली कर रही है, उस औरत के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तो ये वो पैगाम था जिसकी नफ़ी की गई इस दिन के हवाले से, क्योंकि अक्सर बेशतर मैंने भी अपने दोस्तों की महफिल में भी दीगर लोगों की महफिलों में भी यही जाना कि कहीं ना कहीं पर एक टेंशन से जोड़ा जाता है इस रिश्ते को कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है एक टेंशन है हमारे लिए, एक जिम्मेदारी है कि हमने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, इससे हटके कुछ नहीं है। और जहाँ पर मुश्ताक अहमद यूसुफी के ऐसे जुमले हों और ऐसी तहरीरें हमारे माशरे में ज़बान ज़द आम हों कि बीवी से मोहब्बत की बात करना ऐसा ही है कि जैसे आप खुजली या ख़ारिश वहाँ पर कर रहे हो जहाँ पर आप महसूस ना कर रहे हो, तो इस तरह की जो बातें कहीं ना कहीं पर आपका क्या ख्याल है कि वो जो निकाह का रिश्ता था क्या वो पीछे रह गया, और जो दूसरे रिश्ते जो कि हमारे लिए किसी भी तरह से जायज़ नहीं थे क्या उनके साथ हमारे मोहब्बत के रिश्ते और मोहब्बत के डे कैसे सेलिब्रेट होंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा रीचेक करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से मैं आज क्रेडिट देना चाहूँगा इस प्रोग्राम के ज़रिए से हामिद कामरान को कि उन्होंने खुल के बात की और अपनी बेगम की वो जो खिदमात थी। और आप में से बहुत से लोग जो कि शादीशुदा होंगे, आप एक लम्हे के लिए लाजमी तौर पर देखें कि आपकी ज़िंदगी में भी वो औरत जो अपना घर बार छोड़ के आपके घर आएगी उसकी बहुत सी खिदमात होंगी, बहुत सी कुर्बानियां होंगी आपकी फैमिली के लिए, आपके घर वालों के लिए। क्या आपने आज का डे उनके साथ सेलिब्रेट किया और क्या आपने उन्हें मोहब्बत का एहसास दिलाया, यही वैलेंटाइन है हमारे लिए। आगे बढ़ेंगे। जी हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। जनाब इरफान बशीर हम कह रहे हैं जनाब भी लाइव हैं। जनाब अब लेट हो गए खासे, मेरे ख्याल में प्रोग्राम का टाइम जो है ना आलमोस्ट जो है ना ख़त्म हो चुका है, एक घंटा हो चुका है हमें। और जनाब दिले मत जनाब, इसी बात की तो नफ़ी की है हमने पहले, और देख लेते हैं जनाब, लाजमी देख लेंगे। और आप लोगों को बताते चलें कि आज का जो टॉपिक था वो था संडे मेनिया के अंदर, जो आज का टॉपिक था वो था वैलेंटाइन डे के हवाले से, 14 फरवरी के हवाले से, कि आप लोग इस हवाले से बात रखनी थी कि ये 14 फरवरी को जो हम लोग बात करते हैं वैलेंटाइन डे के हवाले से, इस हवाले से अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि हमारी जो पब्लिक है वो यूँ तो हर मामले के ऊपर ही डिवाइड होती है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो बंदूकें जो है ना तान दी जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है ना गोलाबारी का एक सिलसिला शुरू किया जाता है। वो डे जो कि मोहब्बत के आलमी दिन के ऊपर मनाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं पर नफरतें और बुग्ज़ और रंजिशें जो है ना लेकर आ जाता है हमारे माशरे के अंदर। तो उस हवाले से बात की गई, तो इसमें कहीं ना कहीं पर हम लोग देखें तो हम लोग एक पॉइंट के ऊपर हम लोग सारे मुत्तफिक हैं कि मोहब्बत के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मोहब्बत के आलमी दिन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हमारी हदूदों की योद में रहते हुए कोई ऐसे रिश्ते नहीं हैं कि जहाँ पर आप मुकम्मल तौर पर आज़ादी चाहें और वो रिश्ते जो कि ना तो हमारे मज़हब के अंदर जायज़ हों ना हमारे माशरती रवायात के अंदर जायज़ हों, उनको पालने का नाम अगर आप मोहब्बत देते हैं तो हम ऐसी मोहब्बत से मुकम्मल तौर पर इनकार नहीं है। लेकिन अगर आपका मोहब्बत का पैगाम उन तमाम खूबसूरत रिश्तों के साथ उन तमाम हदूदों की यूद में रहते हुए है तो हम सबसे आगे होंगे इस दिन को मनाते हुए। हमारे साथ रहिएगा। जी आखिर में जी मोहम्मद फारूक का जो है ना एक पैगाम है जी, इस हवाले से बात करेंगे। कह रहे हैं जनाब इस्लाम के दुश्मनों ने बहुत से बेहुदा
जी कह रहे हैं कि इस्लाम के दुश्मनों ने बहुत से बेहुदा रसूम रवाज, बद तहजीबी और बद किरदारी के नए नए तरीकों को ईजाद किया, जिसकी लपेट में पूरी दुनिया और बतौर खास मुस्लिम माशरा इसके फितने सामाइयों का टारगेट है। और मुख्तलिफ नवानात से इन दिनों को मनाने में और इसमें रंग रैलियाँ रचाने की कल्चर को फ़रोग देना शुरू किया, और इसकी आड़ में बहुत सी बिदा खराफात, वाहियात और बद अखलाकी और बेहयाई को फैलाने लगे। इन बेहुदा और बेहयाई के एजेंडे में एक 14 फरवरी की तारीख भी है, जिसको वैलेंटाइन डे, योम मोहब्बत और योम आशिकान के नाम से मनाया जाता है। ठीक हो गया जनाब फारूक साहब, आपका पैगाम भी मनवान हमने पहुंचा दिया आगे, और इस बात से आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि हम लोग जो है ना होस्ट का आप लोगों की बातों से जो है ना और मुकम्मल तौर पे हम लोग आपका जो पैगाम होता है हवा के दोष पे आपकी आवाज़ बनते हैं। कहीं पर भी हमारा आपसे कोई इख्तलाफ या जो है ना हमायत करना बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोग चाह रहे होते हैं कि आपकी राय लाजमी आगे बढ़ाएं और वो पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग आगे बढ़ाते। सरदार तौसीफ है जी हमारे साथ, जी बहुत ही कोई रंग रंग के जो है ना दिल हमारी तरफ भेज गए, तौसीफ भाई वेलकम करेंगे। जी आ गए जी हमारे साथ, जी सना उस्मान है जी, सना उस्मान के पैगाम को भी शामिल करेंगे। कह रही हैं इस दिन को नेगेटिव पॉइंट से हट के पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिया जा सकता है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। मोहब्बत पाकीज़ा रिश्ता है, मोहब्बत ज़रूरी है, किसी अपोजिट जेंडर से की जाए। इस दिन को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मनाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी सना, आपका पैगाम आ चुका है हमारे पास, थैंक यू सो मच जी। शाहिदा खान है हमारे साथ, क्या कह रही हैं वो भी बताएंगे आपको। कह रही हैं मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि ज़िंदगी की इस गहमा गहमी में, मसरूफियात की दौड़ में और बहुत से मसाइल की वजह से लोग फैमिली को सही टाइम नहीं दे पाते, वो ज़रूर मोहब्बत का दिन बनाएं। और कोई बुराई नहीं इस दिन को बुरा दिन ना शो करने के लिए, इस दिन अपनी फैमिली के साथ, रिश्तों के साथ मोहब्बत का दिन मनाकर अच्छी रवायत कायम कर सकते हैं। अपने प्यारे वालदेन को और जो रिश्ते भी इनके साथ इस दिन को मनाना चाहते हैं इनको गिफ्ट दें, खास इहतमाम करें, ताकि इस नफसा नफसी के दौर में जब रोज़ मुमकिन नहीं तो किसी एक दिन तो स्पेशल फील करवा कर इनके चेहरों की मुस्कुराहट जीत लें। ज़बरदस्त जनाब, और ना सिर्फ ये जीत लें बल्कि मैं कहूँगा कि आपने जो है ना इस खूबसूरत पैगाम के साथ जो है ना आज के जो प्रोग्राम का जो टॉपिक है उसका मेला भी आपने ही लूटा है। जी मेरे भी दिल की आवाज़ में अगर कहूँ तो यही थी कि हम लोग इस दिन को जो है ना वो इस दिन के ऊपर जो है ना वो गुनाहबारी करने के बजाय हम इस दिन को जो है ना खूबसूरत अंदाज से क्यों ना मना लें। अगर मोहब्बत का कोई आलमी दिन जो है ना वो नहीं होता, या आप लोग ये कह रहे हैं कि मोहब्बत का कोई एक दिन नहीं होता, तो 365 दिन में आप कौन सी मोहब्बत दिखाते हैं वो तो बता दें हमें। और अगर 365 दिन में अगर एक दिन उस दिन एक मुकम्मल जो है ना वो, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक दिन मोहब्बत और बाकी 364 दिन आप नफ़रतें फैलाएं, लेकिन उस एक दिन थोड़ा सा स्पेशल फील तो करवाएं अपनी फैमिली को, अपने वालदेन को, अपने बच्चों को। और मैं उन रिश्तों की बात कर रहा हूँ जो आपके लिए पाकीज़ा हैं, कोई ऐसे रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें मैं कहूँ कि आप लोग कहीं पार्क में जाके छुप छुपा कर इस तरह की एक्टिविटी में शामिल हूँ जो कि हमारे माशरे जिसको कबूल नहीं करता। उस तरह का पैगाम कोई भी संडे में नहीं, और रावलाकोट कम्युनिटी की वॉल कभी नहीं देगी। थैंक यू सो मच शाहिदा खान, और आगे बढ़ेंगे जनाब। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शगुफ्ता शबीर को कहेंगे वेलकम इन प्रोग्राम, और मोहम्मद फारूक कह रहे हैं जनाब खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें जनाब, बहुत सी दुआएँ जनाब आपके लिए। जी और अदील अहमद ने जो है ना एक्नॉलेज किया है जनाब के खूबसूरत पैगाम था शाहिदा खान का, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब। आमला खान जो है ना वो मेरे ख्याल में कह रही हैं कि गिफ्ट कौन सा दिया जाए, या कहना चाह रही हैं कि गिफ्ट देने चाहिए, इस हवाले से जो है ना वो काफ़ी हैरान परेशान नज़र आ रही हैं। और हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, और आज के टॉपिक था जिसमें कि आप लोगों ने खुल के बात की, और मैं कहूँगी अगर मैदान के चारों दिशाओं में आप लोगों ने जो है ना शॉट्स खेले तो गलत नहीं होगा। मैं चूँकि क्रिकेट की टर्म्स इसलिए जो है ना वो अपना रहा हूँ, चूँकि आपको मालूम है कि PSL जो है ना वो उसका आगाज़ होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह से कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग PSL के ऊपर भी थोड़ी सी बात करें, क्योंकि हमारे इस देश के अंदर जहाँ पर हम लोग जिस रीजन में रहते हैं यहाँ पर क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है, देखा खेला शुरू से जाता है। आगे बढ़ेंगे जनाब, और आज का जो टॉपिक था उसे कंक्लूड करें तो बहुत खूबसूरत पैगाम रहे आप लोगों के, और इनमें खूबसूरत पैगाम में अगर देखा जाए तो शाहिदा खान ने बहुत खूबसूरती से कंक्लूड किया, जिसमें अगर उनका पैगाम ही हम लोग अगर आखिर में
इसको अगर मैं दोबारा पढ़ूं तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा आप तमाम समातों के लिए, ताकि हम लोग अगर इस पैगाम को जहन में रखें तो मेरे ख्याल में कोई नफरत नहीं फैलेगी। हम लोग इसको जो है ना बदतहजीबी कहते हैं, बेहयाई कहते हैं, इस तरह के जुमले कहना बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है, इससे नफरतें फैलेंगी, इससे कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। मोहब्बत की बात करना बहुत मुश्किल है और वो मुश्किल काम जो है ना रावलपिंडी कम्यूनिटी और उसके मेम्बरान लाजमी तौर पर करते रहेंगे। और उस हवाले से शाहिदा खान ने जो बात की है वही आज के प्रोग्राम का कंक्लूजन भी होगा। वो कह रही हैं कि मैं ज़िंदगी की इस गहमा गहमी में, मसरूफियात की दौड़ में और बहुत से मसाइल की वजह से लोग फैमिली को सही टाइम नहीं दे पाते, वो ज़रूर मोहब्बत का दिन मनाएं, कोई बुराई नहीं इस दिन को बुरा दिन ना शो करने के लिए, इस दिन को अपनी फैमिली अपने प्यारे रिश्तों के साथ मोहब्बत का दिन मनाकर अच्छी रवायत कायम करें, अपने प्यारे वालदेन को जो रिश्ते हैं इनके साथ इस दिन को मनाना चाहिए, इनको गिफ्ट दें, खास एहतमाम करें, ताकि अगर इस नफसा नफसी के दौर में जब रोज मुमकिन नहीं तो किसी एक दिन तो स्पेशल फील करवा कर इनके चेहरों की मुस्कुराहट छीन जीत लें। और मेरे ख्याल में यही पैगाम होस्ट का भी है, बाकी आप लोगों के जो पैगाम आते हैं वो हमने मनोअन जो है ना आगे फैला आगे पहुंचा दिए हैं, उसमें मुकम्मल तौर पर अमानतदारी का सबूत दिया है कि किसी भी तरह से कोई भी हमने उसको मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं की, कोई ऐसा लफ्ज़ जो कि कोई ऐसे प्रोग्राम या कम्युनिटी स्टैंडर्ड पर ना उतरता उसको हम बाजू का जो है ना उस पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या उसमें थोड़ा सा रद्दो बदल कर लेते हैं, लेकिन इससे हट के कोई भी पैगाम उसको मनोअन जो है ना हवा के दोष पर भेज दिया जाता है। जी हाँ जी, और आखिर में आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिन लोगों ने इस नई आईडी से भी हमारे साथ जुड़े, और आप लोगों को बताते चलें कि जनाब 8.5 दिन की बंदिश है जो है ना पुरानी आईडी पर, तो इस वजह से इस नई आईडी को ही कबूल कर लें और इस नई आईडी से ही जो है ना हमारे जितने भी लाइव प्रोग्राम हैं इस नई आईडी से ही ब्रॉडकास्ट होंगे और आप लोग लाजमी तौर पर देख सकेंगे, सुन सकेंगे। और सुनने की बात की जाए संडे में नहीं, और देखने की बात की जाए तो टुडेज गेस्ट हमारा चलता रहेगा रावलपिंडी कम्युनिटी के वॉल पे, और आप लोग ऐसे ही खूबसूरत पैगाम हमारे हम तक पहुंचाते रहें, जिसमें आज का अगर जो सबसे खूबसूरत पैगाम थे उनमें अगर हम लोग थोड़ा सा भी कंक्लूड करें तो कहीं ना कहीं पर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि मोहब्बत के आलमी दिन पर कोई पाबंदी नहीं है, मोहब्बत का दिन मनाने से कोई मज़हब नहीं रोकता, कोई आपकी कोई माशरती वैल्यूज़ आपको इस चीज़ से नहीं रोकती। लेकिन अगर बात की जाए कि मोहब्बत मनाने में जहाँ पर आप अगर अपनी कोई नफसानी ख्वाहिशात की तकमील को मोहब्बत का आलमी दिन कहते हैं तो उसका हम बायकॉट करेंगे। आप अगर ये बात की जाए कि बग़ैर किसी रिश्ते के लड़के लड़कियों का आपस में मिलना और उन लोगों का जो है ना वो बगैर किसी हुदूद क़ियूद के, तो इस कि हम लोग मुकम्मल तौर पे नफ़ी करेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए से। और वैलेंटाइन डे के हवाले से अगर कोई इस तरह समझता है, लेकिन अगर किसी का ये मकसद है कि वैलेंटाइन डे मोहब्बत का आलमी दिन जहाँ पर अपने वालदेन को स्पेशल फील करवाना, एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए, वाइफ का हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, और इससे हट के अपने खूबसूरत रिश्तों को ये एहसास दिलाना कि वो मेरे लिए बहुत ख़ास है, उनके दिल उनके लिए वो आप किसी गिफ्ट के ज़रिए से, किसी पैगाम के ज़रिए से आप उन्हें फ़ील करवाते हैं, तो ये दिन जो है ना आप लोग मनाते रहें। बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा अपनी सारी ज़िंदगी और साल के 365 दिन आप लोग ये दिन सेलिब्रेट करते रहें। मेरे ख्याल में वो बहुत से लोग जिनके जहन में ये सवालात थे कि ये दिन क्या है, वैलेंटाइन डे क्या है, कहीं ना कहीं पर हमने कोशिश की है रावलपिंडी कम्युनिटी की वॉल से संडे मेनिया के इस प्रोग्राम में और आप लोगों के खूबसूरत पैगाम के ज़रिए से लोगों को एजुकेट कर सकें, और एजुकेट करने का जो सिलसिला है वो 9 साल से रावलपिंडी कम्युनिटी की वॉल जारी और सारी रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह से 10 अप्रैल को इसमें 10वीं साल की एक दहाई मुकम्मल होने पर कम्युनिटी का जो है ना मोहब्बत भरा सफ़र जो है ना 10 साल पर जो है ना। जी जी, और आखिर में अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और होस्ट को भी अपनी दुआओं में लाजमी तौर पे याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।